संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना के बापू सभागार में महागठबंधन की ओर से प्रतिदिन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें राजद व लेफ्ट पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राजद ने संपूर्ण क्रांति दिवस पर नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की विफलता की आंकड़ों के साथ साथ लेखा जोखा जारी किया। महागठबंधन की ओर से एनडीए सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार कितनी फेल्योर रही है, इसको आंकड़ों के जरिए प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट कार्ड में बिहार के विशेष राज्य का दर्जा के सवाल को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे कई मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। हालांकि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं को अलग रखा गया। बिहार को ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना तो बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिला। आज क्या हुआ? स्मार्ट सिटीज की बात लोग करते थे, बनारस को क्योटो बनाने की बात करते थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो छोड़िए, यह बिहार चुनाव में 19 लाख का रोजगार का वादा किया था। चाहे 19 लाख का रोजगार, हमारी बात छोड़िए, विपक्ष की जो सत्ताधारी दल जो है भाजपा, आप उनकी बात कीजिए। उनकी ही आयोग ने, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जो दिया, बिहार हर सूचकांक में, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर एक मामले में कुपोषण की बात हो, बिहार सबसे पिछड़ी राज्य में गिना जाता है। क्यों नहीं कोई काम हो रहा? कोई काम ही नहीं हो रहा बिहार में। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है और इससे कोई चिंता नहीं। कोई विभाग देख लीजिए आप, चाहे पुलिस महकमा देख लीजिए आप, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए आप, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लीजिए, 3 साल में भी जो है ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाता। लोग जो है बीपीएससी के हालत देख लीजिए, क्या स्थिति बनी हुई है, प्रेशर जो है वो लीक हो जाता। कोई भी सिस्टम जो है सरकार का काम नहीं कर रहा। संपूर्ण क्रांति उन्होंने लंबी होगी और टोटल जरूरी अंतिम पदार्थ में जो इंसान खड़ा है उसको मैं आता नहीं हूँ। उन्होंने खुद भी भाई भाई पाया, उन्होंने खुद भी पता है ये प्रकार आप देश से उन्होंने कदाचारी के खिलाफ लड़ाई नहीं दी, नौजवानों ने विद्यार्थियों से सवेरे हो मिलकर और देश भर में जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं सभी नेता कानाशाही के खिलाफ बोल बिल्कुल बजाय सभी कुछ दिनों का प्रकट आज स्थिति देश में व्यक्त हो रहे हैं कानाशाही के खिलाफ और ये विपक्ष का साक्ष्य है जो देश के हमारे भाईचारे के व्यवस्था का वो मिटाना चाहते हैं। मैंने कई अवसर पर कहा है कि शीलवाद की शिक्षि होने में इस देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो रहा है। हमें देश के अंदर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी लड़ने के लिए आया हूँ, तैयार करने का मैं आह्वान करता था। सभागार में उपस्थित सभी नेता और उनका गैर पार्टी के सदस्य और सदस्य काफी हैं प्रकार के हम सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और ये प्रणाम